द ड्राफ्ट में आज हम भारत के उस सबसे लंबे समुद्री पुल की बात करेंगे जिसकी प्लानिंग 1963 में की गई थी और पूरा हुआ वो 2023 में, यानी 60 वर्ष लग गए एक पुल को बनने में। हम समुद्र पर बने 22 किलोमीटर लंबे उस पुल की बात करेंगे जो भारत की जीडीपी में 1% का योगदान कर सकता है। आप समझिए कि जीडीपी में 1% का योगदान यानी कई राज्यों से ज्यादा योगदान। आज हम करीब 18,000 करोड़ रुपए की लागत से समुद्र पर बने उस पुल की बात करने वाले हैं, जिसके कारण मुंबई और नवी मुंबई की दूरी तय करने का वक्त 2 घंटे से घटकर सिर्फ 25 मिनट रह जाएगा। इस पुल का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी ट्रांस हार्बर लिंक और ये भारत की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक मजबूत पिलर साबित होने वाला है। द ड्राफ्ट में आज हम आपको यही समझाने वाले हैं कि कैसे एक ब्रिज देश की तरक्की का गेम चेंजर साबित हो सकता है, कैसे एक ब्रिज पूरे राज्य को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है, कैसे एक ब्रिज लाखों लोगों के सपनों को पूरा कर सकता है। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि कई दिन की मेहनत के बाद एक वीडियो तैयार होता है और अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, इसलिए आप खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार के लोगों से भी सब्सक्राइब करने की अपील करें और दोस्तों को भी ये फॉरवर्ड करें। इस वीडियो को हमने 3 हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में हम पुल का छोटा सा इतिहास बताएंगे, दूसरे हिस्से में पुल का हर छोटा और बड़ा डिटेल समझाएंगे और तीसरे हिस्से में बताएंगे कि इस एक पुल से मुंबई में, महाराष्ट्र में और भारत में क्या क्या बदलने वाला है। ये तीनों हिस्से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे बिना स्किप किए देखिएगा। दोस्तों, मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है और ये आज से नहीं, शिवाजी के समय, मुगलों के समय और अंग्रेजों के समय से मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। मुंबई 3 तरफ से समुद्र से घिरा है। इसका फायदा ये है कि यहाँ बहुत से छोटे बड़े पोर्ट्स हैं जिसके कारण समुद्री व्यापार होता है। इसे आप भारत में समुद्री व्यापार की राजधानी भी कह सकते हैं। इससे बड़ा फायदा होता है तो घाटा भी होता है। 3 तरफ से समुद्र से घिरे होने के कारण दक्षिण मुंबई का महाराष्ट्र और देश के दूसरे हिस्से से सड़क संपर्क उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। 3 तरफ से समुद्र से घिरे होने के कारण समस्या ये हो गई है कि मुंबई कंजेस्टेड हो गया है। जिस तरह से दिल्ली के चारों तरफ गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद जैसे आधुनिक शहर बसे हैं, मुंबई के पास ऐसा नहीं है। मुंबई के सब अर्बन एरिया का डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ, इससे उसका नुकसान ज्यादा हुआ। मुंबई पर आबादी का बोझ बढ़ता गया। मुंबई में एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी धारावी बस गई। जब ये समस्या बढ़ रही थी तो महाराष्ट्र की सरकार और वहाँ काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स को ये बात समझ आ गई थी कि अगर मुंबई पर से लोड कम नहीं किया गया तो मुंबई शहर दम तोड़ देगा। इसलिए 1962 में ग्रेटर मुंबई बनाने की प्लानिंग हुई और 1962 में ही विल्बर स्मिथ एंड एसोसिएट्स को ग्रेटर मुंबई के लिए ट्रांसपोर्ट प्लान तैयार करने के लिए कहा गया। 18 महीनों की डिटेल स्टडी के बाद 19 दिसंबर 1963 को केंद्रीय परिवहन मंत्रालय को ये रिपोर्ट सौंप दी गई। इस रिपोर्ट में मुंबई को दूसरे शहरों से जोड़ने के लिए एक समुद्री लिंक यानी समुद्री पुल बनाने का काम प्रपोज किया गया। इसे शुरू में उरण ब्रिज के रूप में प्रस्तावित किया गया, किंतु परंतु और चर्चा के बाद ये स्टडी अलमारी में बंद हो गई। साल 1981 में फिर से इस पर चर्चा हुई, बैठक हुई और बैठक के बाद फिर से इस फाइल को सुरक्षित अलमारी में रख दिया गया। महाराष्ट्र और दिल्ली में सरकारें बदलती रहीं, 19वीं सदी खत्म हो गई, मुंबई पर बोझ बढ़ता गया, आबादी बढ़ती गई। जिस मुंबई को शंघाई बनाने का सपना देखा गया था वो धारावी के बोझ तले दबता गया। ऐसा लगने लगा कि मुंबई में समुद्र पर पुल नहीं बन पाएगा। तभी साल 2005-06 में एक बार फिर कोशिश हुई, समुद्र पर पुल बनाने की फाइल अलमारी से निकाली गई, एजेंसी से बात शुरू हुई, ILNFS ने इसे बनाने का प्रस्ताव दिया और शर्त रखी बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफर यानी बूट मॉडल का। दुर्भाग्य से इस बार भी कोशिश नाकाम रही और काम शुरू नहीं हो पाया। इसके 6 वर्ष बाद 2012 में तब के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने समुद्र पर पुल वाली फाइल को निकलवाया और इसकी मंजूरी दे दी, लेकिन काम शुरू नहीं हो पाया क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा बजट चाहिए था और उसका इंतजाम नहीं हो पा रहा था। साल 2014 के मई में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, कुछ ही महीने बाद देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के CM बने। CM बनते ही उन्होंने समुद्र पर बनने वाले पुल की फाइल से धूल हटाया और उसके काम में तेजी लाए। जापान से फंडिंग की व्यवस्था हुई और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MMRDA को पुल की DPR से लेकर सारे काम सौंप दिए गए।
एक वर्ष के भीतर डिटेल प्रोजेक्ट बना और दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी। यानी जो पुल 1963 से फाइलों में लटक रहा था उसे पिलर्स और केबल पर खड़ा करने की शुरुआत 2017 में हुई। अब वीडियो के दूसरे हिस्से में बात करते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ट्रांस हार्बर लिंक पुल की खासियत क्या है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। इसकी कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है। इसमें 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के ऊपर बना है, बाकी का 5.50 किलोमीटर जमीन पर है। ये पुल दक्षिण मुंबई के शिवरी को चिरले इलाके से जोड़ेगा। पुल शिवरी से शुरू होकर एलिफेंटा आइलैंड के नॉर्थ में लोकेटेड थाने क्रिक से होते हुए JNP यानी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के पास चिरले में खत्म होगा। 6 लेन के इस पुल की चौड़ाई करीब 27 मीटर है। पुल पर मेडिकल इमरजेंसी के लिए 2 एग्जिट लेन भी बनाए गए हैं। पुल पर 1212 लाइटिंग पोल लगाए गए हैं और 130 CCTV कैमरे लगे हैं, जिससे हर घटना की क्लोज मॉनिटरिंग की जा सकेगी। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक पर खास क्रैश बैरियर्स लगाए गए हैं। अगर कोई गाड़ी क्रैश होती है तो ये बैरियर गाड़ी को वापस सड़क पर ले आएगा, वो गाड़ी समुद्र में नहीं गिरेगी। ये भारत का पहला पुल होगा जिस पर ओपन रोड टोलिंग सुविधा होगी, यानी इस पर जगह जगह टोल बूथ नहीं होंगे। इस सिस्टम से ड्राइवर्स बिना रुके ही इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से टोल दे सकेंगे। सिंगापुर, US और यूरोप में ऐसी सुविधा मौजूद है। इस पुल पे एक दिन में 1,00,000 गाड़ियों के गुजरने का अनुमान है। करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी चलाने की इजाजत होगी। बड़ी संख्या में गाड़ियों को देखते हुए ब्रिज पर 3 फायर फाइटिंग एंड रेस्क्यू व्हीकल और 2 एम्बुलेंस तैनात रहेंगे। 2017 में जब से पुल का निर्माण शुरू हुआ तब से यहाँ करीब 14,000 लोग लगातार काम कर रहे हैं। यानी बड़ी संख्या में लोगों के लिए ये रोजगार का साधन भी बना है। अब वीडियो के तीसरे हिस्से में बात करते हैं इस एक पुल से मुंबई में, महाराष्ट्र में और भारत में क्या क्या बदलने वाला है। सबसे पहले समझिए कि मुंबई में क्या बदलेगा। इस ब्रिज से मुंबई और नवी मुंबई की दूरी सिर्फ 25 मिनट में तय हो जाएगी। यानी इससे यात्रा करने वाले व्यक्ति का कम से कम 3 घंटे का समय हर दिन बचेगा। इतना ही नहीं, इस पुल से नवी मुंबई से नेहवा सेवा पोर्ट, मुंबई गोवा हाईवे, पुणे एक्सप्रेसवे, अपकमिंग नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपस में लिंक हो जाएंगे। एक पुल कई रास्तों का जाम खत्म कर देगा, कनेक्टिविटी बढ़ाएगा और जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो बिजनेस बढ़ेगा। भीड़ भाड़ के लिए मशहूर मुंबई लोकल ट्रेनों में भीड़ कम होगी। ऐसा अनुमान है कि 2 शहरों के बीच की दूरी घटने पर हर साल करीब 1 करोड़ लीटर ईंधन की बचत हो सकती है। कुल मिलाकर समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में मुंबई जैसा ही एक और शहर तैयार हो सकता है। मुंबई के बाद अब समझिए कि महाराष्ट्र में क्या बदल जाएगा। फिलहाल महाराष्ट्र की GDP में मुंबई का योगदान 20% है। इस पुल के शुरू होने से मुंबई का विस्तार होगा। इससे मुंबई और सब अर्बन का महाराष्ट्र की GDP में 25% हिस्सेदारी होने की उम्मीद है। इससे महाराष्ट्र को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में मदद मिलेगी। आप खुद सोचिए, जो पुल 2005 में 4,500 करोड़ रुपए में बन सकता था वो 2023 में 18,000 करोड़ रुपए में बन रहा है। अगर ये पुल समय से बन जाता तो देश को कितना फायदा हुआ होता। अब इस पुल से देश को होने वाले फायदे की बात करते हैं। अकेले मुंबई भारत की GDP में 6.50% के करीब योगदान करता है। 2022-23 में भारत की कुल GDP में मुंबई का योगदान 6.22% था। ऐसे में अगर एक और मुंबई जैसा शहर बस जाए तो देश को कितना फायदा होगा। MMRDA के कमिश्नर डॉक्टर संजय मुखर्जी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी ट्रांस हार्बर लिंक से महाराष्ट्र की GDP में कम से कम 5% और देश की GDP में 1% की वृद्धि होने का अनुमान है। ये ब्रिज मुंबई, महाराष्ट्र और देश के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को जापान की अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके बनाया गया, जो कम से कम 100 वर्षों के लिए होगा। ये ब्रिज भारत के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इसे ऐसे भी समझिए कि मुंबई का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है। इसके कंटेनर ढोने की क्षमता भारत के सभी पोर्ट से ज्यादा है। यहाँ सबसे ज्यादा बिजनेस होता है। बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए JNPT को वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। WDFC को दिल्ली के पास नोएडा में भारत के सबसे बड़े कार्गो एयरपोर्ट से भी जोड़ा जाएगा और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भी अगले वर्ष तक पूरा हो जाएगा। एक तरह से जल मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग तीनों एक निश्चित दूरी पर मिलेंगे। इतना कुछ होने के बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी ट्रांस हार्बर लिंक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से जुड़ेगा तो समझिए कि लॉजिस्टिक कॉस्ट यानी माल लाने ले जाने की खर्च में कमी आएगी और इससे मुंबई की इकोनॉमी और भारत का निर्यात रॉकेट की स्पीड से बढ़ेगा। इसलिए मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी ब्रिज का नाम दिया गया है,
इसे भारत की इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर कहा जा रहा है। द ड्राफ्ट का हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, राय दें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए और दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड जरूर कीजिए।